नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भेदभाव सहन नहीं करेगी। लोकसभा ने किशोर न्याय और बाल देखभाल संरक्षण विधेयक पारित कर दिया है। सरकार की तीन नई योजनाएं कल शुरू होने जा रही है। स्वामी चिन्मयानंद जी की जयंती पर आज कई कार्यक्रम रखे गए हैं और एमवी स्वराजदीप आज चेन्नई जा रहा है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। टाइम मैगजीन को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा विवादास्पद बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि जब कभी किसी विशेष धर्म के बारे में किसी व्यक्ति ने अगर गलत बयान दिया है तो उसका सरकार द्वारा तुरंत खंडन किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में निराधार आशंकाओं का कोई स्थान नहीं है। लोकसभा ने कल किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 पारित कर दिया। विधेयक में प्रावधान है कि जघन्य अपराध करने पर 16 से 18 साल की आयु के किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन किशोर न्याय बोर्ड ये जांच करेगा कि किस प्रकार का अपराध किया गया। विधेयक में देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित